हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के बना रहा हूँ। और एक्सेल में खास क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 10 के कुछ स्टूडेंट के नाम है। अब ये रेंज काफी लंबी भी हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं कि इतनी ही रेंज आप ले, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लास 11 के कुछ बच्चों के नाम है और यहाँ पर आपको मिलता है क्लास 12 के कुछ बच्चों का नाम, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि जब भी हम क्लास 10th यहाँ से सेलेक्ट करें तो केवल और केवल क्लास 10th के बच्चों के नाम, ठीक है। अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं तो ये नेम उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए और उन्हीं बच्चों के नाम आए जो बिलोंग करते हैं क्लास 11 से। देखिए यहाँ पे 11 सेलेक्टेड है। फिर अगर हम इसे चेंज करते हैं क्लास 12 में या कोई और भी क्लास आप देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम 12 सेलेक्ट करें तो यहाँ पर जो बच्चों के नाम आए ना वो केवल 12 से ही रिलेटेड हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोकेश, हिना, नगमा, कुंदन, चंद्रशेखर, ये क्लास 12 के ही बच्चों के नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फिर हटाता हूँ, इसको 10th कर देता हूँ, तो यहाँ केवल 10th के बच्चों के नाम है डिस्प्ले होंगे। तो देखिए राम, श्याम, सचिन, राघव, रंजीत, ये क्लास 10th के बच्चों के नाम है जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें ये कैसे मैंने किया, और यहाँ पर अगर मैं नाम एक आध इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक नाम मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ युवराज, तो ये लिख दिया युवराज। और युवराज लिखने के बाद जैसे ही यहाँ आते हैं ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्लास 10 सेलेक्टेड है और यहाँ पर जब आप आइएगा तो यहाँ पे युवराज ऑटोमेटिकली इसमें इंक्रीज हो गया है, देख सकते हैं। तो ये कैसे किया गया आज इसी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो वैलिडेशन मैंने लगाया, ये जो सारी चीजें लगाई हैं, इसी तरह की एक टेबल हम बना लेते हैं। तो बना रखा है पहले से, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये है। और हम चाहते हैं ना कि हम एक आध नाम इंक्रीज करें तो भी इसमें इंक्रीज होता रहे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले बॉर्डर लगा लेता हूँ, ऑल्ट एच बी ए करके हम बॉर्डर लगा लेंगे। और यहाँ पर इसे एक हेडिंग दे देता हूँ, जैसे ये हेडिंग मैं कर देता हूँ यहाँ से, ये लीजिए ये वाली हेडिंग, ठीक है। अब ये इस तरीके का बन गया है, ठीक है। अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि इसके लिए नेम रेंज बनाना है। नेम रेंज कैसे बनाएंगे, तो नेम रेंज बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आप सेलेक्ट करेंगे, यानी ये जितना हिस्सा है ना, ये इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एक दो एक्स्ट्रा भी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर एक दो नाम एक्स्ट्रा बढ़ाने हो तो हम उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने दो ही एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया। अगर आप 10 नाम बढ़ाना चाहते हैं तो 10 एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर सकते हैं, या कभी कभी इस कॉलम को ही इस तरीके से आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है, शॉर्टकट भी है ये। फिर यहाँ पर सेकंड वाले को सेलेक्ट कीजिए, फिर थर्ड वाले को सेलेक्ट कीजिए, फिर फोर्थ वाले को सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको फॉर्मूला स्टेप पे जाना है और यहाँ से जाना है क्रिएट नेम फ्रॉम सेलेक्शन पर, और यहाँ पर ये आता है। अब देखिए इसमें जो है टिक है टॉप रो, तो टॉप रो में हमारा हेडिंग है, तो ये हेडिंग के हिसाब से ये चीजें करेगा, यानी जो भी हेडिंग सेलेक्ट रहेगी, ठीक है, उसी को ये सेलेक्ट करेगा। तो इसके लिए यहाँ से ओके करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक नेम रेंज मिल जाएगी। तो अगर मैं 9th सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर 8th सेलेक्ट करता हूँ तो 8 वाला पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रखना है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ क्लास, और यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक अलग हेडिंग दे देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट। तो ये कर दिया नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास के जगह क्लास आएगा और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट के जगह नेम ऑफ स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से काम शुरू होता है मेन, यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्लास के लिए हमें क्या करना है, सिंपली एक ड्रॉप डाउन बनाना है। ड्रॉप डाउन कहाँ से बनेगी, तो ये डाटा टाइप पे जाएंगे, और डाटा टाइप पे जाने के बाद यहाँ से जाकर के और ये डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और यहाँ से आएंगे तो ये लिस्ट हो जाएगा। बस यहीं से बनेगा हमारा जो है डाटा वैलिडेशन। तो इन सारे क्लासेस का हम एक डाटा वैलिडेशन तैयार करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है सारे क्लासेस के नाम आने लगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन है, यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर वापस हमें कहाँ जाना है, डाटा टाइप पर, और डाटा टाइप पर जाके वापस वही डेटा वैलिडेशन पे जाना है, और डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं तो इसे लिस्ट बनाना है। तो ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाइएगा इनडायरेक्ट का। क्या लगाना है, इनडायरेक्ट, इस तरीके से इनडायरेक्ट लगाइए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया, अब क्या करना है, अब इसको बंद कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको सिंपली बंद कर दीजिए, और बंद करके ओके कर दीजिए, और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक ड्रॉप डाउन आपको दिखाई पड़ेगी। अब जरा मैच कीजिए कि यहाँ पर जो नाम दिखाई दे रहे हैं वो क्लास 7 से रिलेटेड है कि नहीं है। आइए मैच करते हैं। यहाँ पे पहला नाम है राम, तो यहाँ क्लास 7th में राम ही दिख रहा है। दूसरा नाम श्याम है, तो यहाँ पर श्याम दिख रहा है। तीसरा नाम यहाँ पर है सचिन, तो सचिन ही दिख रहा है। और चौथा नाम गोविंद है, तो गोविंद ही दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर,
जैसे मान लीजिए यहां से चेंज कर दिया हमने 8 कर दिया, तो अभी 8 वाले का नाम दिखना चाहिए, तो आइए चेक करते हैं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्या पता ना दिख रहा हो। तो यहां पर देखिए केवल 8 वाले स्टूडेंट्स का नाम ही शो कर रहा है यहां पे, आप देख सकते हैं ठीक है। अगर मैं यहां से फिर चेंज कर देता हूं लाइक यहां पर आए और यहां पे 9th कर दिया, तो यहां पे केवल 9th वाले स्टूडेंट्स का नाम ही दिखेगा, यहां पे देखिए केवल 9th वाले स्टूडेंट का नाम ही दिख रहा है ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन बनाने का जो है वे है, और यहां पे इनडायरेक्ट फार्मूला लगाने से आपको ये फायदा हो जाएगा ठीक है कि यहां पर केवल और केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के नाम नजर आएंगे जो कि रिलेटेड है उस क्लास की ठीक है। अब एक चीज तो हमने किया ही नहीं, यहां पर हम चेंजेस करते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास 7th में और भी नाम हमें इंक्रीज करने हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे एक और नाम इंक्रीज कर देते हैं, ये लिख दिया ठीक है। अब यहां पर चेंज करते हैं क्लास, तो क्या ये भी चेंज होगा? याद है आपको हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया था, जी हां बिल्कुल चेंज होगा, यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहां से जाइए और इस बार 7th सेलेक्ट कीजिए, और 7th सेलेक्ट करने के बाद यहां पर ड्रॉप डाउन पे आते हैं तो आपको ये सारी चीजें चेंज नजर आएंगी, और नाजिया जो नाम हमने इंक्रीज किया था देखिए यहां पर ये एडजस्ट हो गया है। तो क्या और भी नाम इसमें एडजस्ट हो जाएंगे? तो यहां पे डालते हैं देखते हैं क्या होता है ठीक है। तो यहां पे एक और नाम डाल देते हैं, ये वर्तिका लिख दिया। अब यहां पर जो है फिर वापस आते हैं और यहां पे चेक करते हैं कि क्या ये इंक्रीज हुआ, तो देखिए यहां पे तुरंत इंक्रीज हो जा रहा है, यानी जो भी नाम आप बढ़ाते जाएंगे ये इसमें बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या पता कि इसमें ना बढ़े, ये जो 8 वाली लिस्ट है क्या पता इसमें ये चेंजेस ना हो, तो यहां पर भी करके देख लेते हैं ठीक है। तो यहां पर एक और नाम लिख दिया मैंने, तो ये देखिए ये जो नाम लिखा है फातिमा, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे 8 पे आते हैं तो देखिए 8 वाले में देखिए ये क्या हो रहा है, यहां पर आए तो देखिए ये इंक्रीज हो गया ठीक है। अब देखिए यहां पर फिर चेंजेस करते हैं, यहां पर एक बार चेंज करके देखते हैं ठीक है। तो यहां पर एक नाम लिखता हूं KUNDAN कुंदर, तो ये नाम जैसे ही हमने इंक्रीज करा ना क्लास 9th में, तो क्लास 9th वाला जो ड्रॉप डाउन है इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट में आप देखेंगे कि कुंदन वाला नाम इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आप डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, और इसका आप बेलिंग सॉफ्टवेयर बनाने में भी यूज कर सकते हैं। तो जब बेल आप बनाए तो उसमें इसका यूज बड़े ही आसानी के साथ किया जा सकता है, ये बहुत ही आसान है ठीक है। एट लास्ट एक बार और इसको देखते हैं, क्योंकि हमने जहां तक बॉर्डर बनाया है ऐसा तो नहीं है कि ये केवल वहीं तक आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7th है तो 7th वर्तिका तक तो आ रहा है, लेकिन इसके नीचे अगर मैं लिख देता हूँ क्या इसके नीचे वाले नाम भी इंक्रीज होते रहेंगे क्या? ये भी एक बार चेक करने वाली बात है। तो यहाँ पर एक दो नाम और यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गौरव GAURAV, यहाँ पे लिख देता हूँ मोनू, यहाँ पे लिख देता हूँ सोनू, यहाँ पे लिख देता हूँ पिंकी। ये देखिए कई नाम हमने यहाँ पे लिख दिया ठीक है, और ये क्लास 7th में लिखा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये नाम कहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ? क्लास 7th वाले कॉलम में इंक्रीज कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्लास 7th सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लास 7th नजर आ रही है, बस सेलेक्ट कर दीजिए। अब चेक करना है कि नेम ऑफ स्टूडेंट में ये इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, ये देखना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ से जा करके और ये आए, तो जैसे ही आते हैं तो आप देखेंगे कि जितने भी नाम आप इंक्रीज करते जा रहे हैं वो इसमें इंक्रीज होते जा रहे हैं ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह की जरूरत पड़े आप आसानी के साथ ये ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, इस तरीके की चीजें कर सकते हैं एक्सेल में, और ये आसान भी है और आप आसानी से कर भी लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ सवाल अपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।